नमस्ते साथियों, मैं महादेव बोल रहा हूँ, महासचिव ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन। साथियों, आपको मालूम है पिछली 28/11/2022 को डिपार्टमेंट में लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटीज के संबंध में ये लोगों ऑनलाइन करने के लिए आदेश पारित किया है। इसी के तमें SOP भी बना दिया और आज कुछ आज भी एक ऑर्डर कॉपी इंस्ट्रक्शन आया है। इस ऑर्डर में पूरा GDS ये कोई अप्लाई कर सकता डाटा एंट्री करके रिक्वेस्ट करने के लिए बोला है। मैं कल डाक भवन गई था, डाक भवन में GDS सेक्शन का ऑफिसर्स लोग भी मुझे रिक्वेस्ट किया। साथियों, ये लोग भी रिक्वेस्ट कर रहा है, इस बार पहले एक अवसर है। GDS का पहले क्या होता था रिक्वेस्ट ट्रांसफर में, ये कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ जाता था, हर नोटिफिकेशन हो जाता था, लोगों का जानने वाला गांव और BO के अंदर जाने के लिए मुश्किल होता था। आज का इसका कारण आपको मालूम है, पूरा देश में GDS से MTS, GDS से पोस्टमैन, GDS से PA पदों में लगभग 25,000 से 30,000 लोग इस वर्ष प्रमोट होके जा रहा है। ऑलरेडी बहुत सर्कलों में रिजल्ट आ गया, अगली इसी महीने में कुछ सर्कलों में डेस्ट एंट्री है, डाटा एंट्री है, इस तरह और कुछ सर्कलों में ये सरप्लस पोस्ट का रिजल्ट करने के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट का पास बात करके इसका सरप्लस पोस्ट को कभी रिजल्ट कभी अनाउंस करने के लिए मांग रहा है। मतलब क्यों बोल रहा है, रिक्वेस्ट ट्रांसफर पहले का पिछली 3-4 साल से हम लोग को ये कठिनाई आता था, कोई अप्लाई किया था पर चाहने वाला पोस्ट पर नहीं मिलता था। इसलिए आज 15,000-20,000 अगली इस साल में नया डायरेक्ट रिक्रूट होने का पहले ये लिमिटेड रिक्वेस्ट ट्रांसफर फैसिलिटी रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन कंसीडर करने के बाद बाहर ओपन मार्केट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेगा करके सेक्रेटरी सूचना दिया है। इसलिए डिपार्टमेंट भी जल्दी जल्दी इसका प्रोसेस कर रहा है। साथियों, मैं इस संबंध में आप लोग कई को बात बताना चाहता हूँ। 2001 के पहले GDS का नियम था कंडक्ट एंड सर्विस रूल्स। 2001 में कंडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट रूल किया गया। इसमें 2001 में रिक्वेस्ट ट्रांसफर का पहले कुछ केसेस होता था, ये कंसीडर नहीं किया था डिपार्टमेंट, इसमें इस ऑर्डर में इसका पूरा रिजेक्ट कर लिया था, क्योंकि कोर्ट केस के साथ साथ इसमें ये नहीं करके ये टाइम में पहले से GDS का 2016 का पहले 2015 का पहले GDS यदि हम लोग ट्रांसफर रिक्वेस्ट ट्रांसफर लिया हो तो हम लोग कोई दूसरी डिवीजन जाए तो जूनियर हो जाता था और मिनिमम पे पर आ जाता था। लगातार हम लोग 2005 का पुष्कर का कॉन्फ्रेंस हो, रीवा कॉन्फ्रेंस हो और मोजरी का कॉन्फ्रेंस हो, इस तरह लगातार हम रिजर्वेशन करके हर तरह से कोशिश करके हमारा मांग यही था डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज की तरह GDS का रिक्वेस्ट ट्रांसफर भी रूल 38 के अनुसार होना चाहिए। मतलब वो पे प्रोटेक्शन होना चाहिए, हम लोग 5 घंटे में हो तो 5 घंटा के स्केल में होना चाहिए, किसी का तंग का होना नहीं चाहिए और सीनियरिटी जूनियर का कोई कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, इस तरह करके मांग रखा था। इस संबंध में आज आपको मालूम है 2021 तक पे थोड़ा कठिनाई था, 2021 में बहुत सुधार किया। एक GDS के लिए 2 बार का अवसर दिया है, वुमेन्स एम्प्लॉयज के लिए 3 बार अवकाश दिया है। एक समय था मुझे एक CPM जी ने पूछा, आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए हड़ताल जाना चाहिए महादेव करके, हमारा शांति नायर करके कर्नाटक का एक CPM जी था, मध्य प्रदेश में मैं महेंद्र प्रताप सिंह वगैरह गए थे, एक टाइम में बोला गया था। मतलब एक लड़की रिक्वेस्ट बिना ट्रांसफर यदि शादी हो गई हो तो उन्होंने हस्बैंड का घर जाने के लिए मुश्किल होता था, अगर इधर ड्यूटी छोड़ना पड़ता था नहीं वो तो परिवार में समस्या उद्भव होता था। इसलिए आज हम लोग का बहुत इस संबंध में रूल 3 का संबंध में कुछ परिवर्तन आया है, रिक्वेस्ट ट्रांसफर ये थोड़ा लिबरल से उनको जाने वाला जाग में जाने के लिए अवकाश है। इसलिए मेरा ये निवेदन है, इस पर आप लोग थोड़ा सदुपयोग करके, किसका चाहिए किसने कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहिए हो तो जरूरी हो तो कोई हमारा बीच में कोई अनुकंपा नियुक्ति से अपॉइंटमेंट हो गया, कोई ऑनलाइन पर नियुक्ति होके आ गया, दूसरी स्टेट से दूसरी स्टेट पर आ गया, ये से लोगों का आ जाओ डिपार्टमेंट ने एक ऑनलाइन अवसर दिया है, क्योंकि इसमें कुछ लोकल हर तरह का एक ही नहीं था,
15 दिन के अंदर पिछले एप्लीकेशन भेजने के लिए बोलता था, परंतु इसमें भी कुछ शिकायत आ रहा था। हम लोगों हाल ही में पिछले बहुत कुछ 2-3 लेटर भी लिखा था। इसके बाद तो आज डिपार्टमेंट ने पिछले महीने हम लोग को बताया था, अक्टूबर महीने में हम लोग दिसंबर के अंदर अंदर एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर आ जाएगा माधव भैया करके डीजी साहब आलोक शर्मा जी बोला था, इसका मुताबिक अभी आ चुका है। इसलिए मेरा ये निवेदन है, आप लोग आप कौन सी जगह में नजदीक जाना चाहे हो तो अप्लाई करिए। यदि दूसरी स्टेट में दूसरी स्टेट जाने का भी अभी अवसर है और इसका रिक्वेस्ट ट्रांसफर में यदि डिवीजन के डिवीजन ट्रांसफर हो तो आप एसएसपी सैंक्शन करेगा, इंटर स्टेट हो तो आपका चीफ पीएमजी आरओ सर्कल ऑफिस वगैरह करेगा, यदि इंटर स्टेट हो तो दोनों सर्कल का मुताबिक को करके करेगा। इसलिए पिछले हम वो बहुत क्वेरी आ रहा था इस संबंध में, आज रिक्वेस्ट ट्रांसफर का आप लोग उपयोग लेने के लिए इसका सफल बनाने के लिए माधव भैया आपका हाथ में है, आप लोगों का हाथ में है। इसका पहले नोटिफिकेशन होने का पहले रिक्वेस्ट ट्रांसफर का सारा टिक टाक भर के अपडेट करने का बोल दो, इसका मुताबिक इजी हो जाएगा। इसी के बाद हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेगा, इसलिए आपका रैंक एंड पहले आप लोग ग्रामीण डाक सेवक का ये बताओ, इसका थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे निवेदन किया गया, इसलिए मैं एक छोटा वीडियो बना के आप लोग के पास भेज रहा हूँ, जैसे हम लोग वेबसाइट में भी डाला है। इसलिए आप लोग इसका लाभ लेने के लिए कौन किसका जरूरत है उनको लेने के लिए मैं निवेदन करता, धन्यवाद।